नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि पतरातू एसीडीपीओ कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पतरातू एसीडीपीओ वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पांडे गिरोह के शरणा विकास तिवारी के नाम से रेलवे डीजल साइड में चल रहे स्क्रैप कार व उरीमारी क्षेत्र में सीएचसी साइड का निर्माण कार्य करा रहे एलएनटी कंपनी से भी रंगदारी और मारपीट के आरोप में मोहम्मद इरफान उर्फ छोटू, जानकी साव, कृष्णा मरांडी को गिरफ्तार किया गया है। इनसे मोबाइल और अपाची बाइक भी बरामद हुई है। वहीं अन्य तीन अपराधियों के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। वहीं कृष्णा मरांडी को उरीमारी से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद इरफान, जानकी साव पतरातू बस्ती के निवासी हैं। वहीं कृष्णा मरांडी भुरकुंडा थाना क्षेत्र के सयाल का निवासी है। 30 तारीख रात्रि में यहाँ पर पतरातू का डीजल कॉलोनी में वहाँ पर स्क्रैप रेलवे के द्वारा स्क्रैप बेचा जा रहा है, काट के भेजा जा रहा है। उसी में इन लोग पांडे गिरोह का बिल्कुल 5-6 लड़के ने रंगदारी मांगने के ख्याल से वहाँ गया था और वहाँ के स्टाफ लोग को काम कर रहा था, उसको मारपीट किया, धमकी दिया, कुछ पैसे उसे की मांग कर रहा था और इसी को देखते हुए घटना हुई। और इसी के साथ एक बस जग बगल में उरीमारी जो है वहाँ भी एलएनटी कंपनी से भी रंगदारी मांगा था। तो इस परिस्थिति को देखते हुए इसी साहब के निर्देश से इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में इसका छापामारी की गई, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर साहब, पतरातू थाना प्रभारी, राजानंद नगर थाना प्रभारी, बासल थाना प्रभारी, कटा कानो थाना प्रभारी और साथ ही उरीमारी थाना प्रभारी जीआरपी का भी इसमें सहयोग था। इस सभी का सहयोग से धरपकड़ में तीन अभी पकड़ाए और अभी तीन का नाम और आया है जो अभी फरार है, उनको भी हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे।